अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी कैटेगरीज को गेट करेंगे, लेकिन साथ ही में मैं क्या करता हूँ, एक दो और कैटेगरीज के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्पाइसी कर सकते हैं, स्पाइसी सेंड पर क्लिक करेंगे, सेकेंड कैटेगरी अपने पास क्रिएट होगी, डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सेकेंड कैटेगरी अपने पास क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और न्यू राउट क्रिएट करेंगे, तो चलते हैं कैटेगरी राउट के अंदर और यहाँ पे आपको इसको गेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ऑन कैट और यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट गेट और यहाँ पे स्लैश गेट ऑल कर देते हैं इसको, और मिडल वेयर की इसमें जरूरत नहीं है, एक न्यू फंक्शन बना लेंगे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे गेट ऑल कैट, इसके लिए एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट गेट ऑल कैट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के अभी छोड़ देंगे, सेव कर लेते हैं इसको और नीचे एक्सपोर्ट भी करना है तो यहाँ से कॉपी करके इसके बाद में हम इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं कैटेगरी राउट के अंदर और यहाँ पे लिख लेंगे गेट ऑल कैट कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कंट्रोलर भी इम्पोर्ट हो जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस कैटेगरी कंट्रोलर में। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले शुरू एसिंक फंक्शन कर देंगे, कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी हम इसमें रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद में ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, ये है एरर, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद में मैसेज एरर इन गेट ऑल कैटेगरी एपीआई, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज यहाँ पे पास करा देंगे। ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सिंपली सारी कैटेगरीज को फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरीज इक्वल टू, फिर हम वेट करेंगे, फिर हमारे पास है कैटेगरी मॉडल, इसमें सिंपल हम फाइंड फंक्शन को कॉल कर लेंगे और एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा देंगे, यहाँ पे एक वैलिडेशन भी परफॉर्म कर देंगे, इफ नॉट कैटेगरीज, अगर कैटेगरीज नहीं है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड फंक्शन, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, एक मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नो कैटेगरीज फाउंड, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ ब्लॉक अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो डायरेक्ट हमारा रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 और फिर उसके अंदर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे हम ट्रू क्योंकि यहाँ पर हमको कैटेगरीज मिल गई। उसके बाद में मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर जितनी भी कैटेगरीज है उसकी लेंथ बता सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल कैट और इसको हम कर देंगे कैटेगरीज डॉट लेंथ, जितनी इसमें लेंथ है तो ये काउंट बता देगा और यहाँ पे जो भी कैटेगरीज है उसको एज इट इज पास करा देंगे, सेव कर लेते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार, चलते वापस पोस्टमैन में और इस कैटेगरी के थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू रिक्वेस्ट और इसका नाम हम रखेंगे गेट ऑल कैट, उसके बाद में यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ प्रीवियस वाला क्रिएट का जो हमने लिखा था ना उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मेथड सेम है और ऑथराइजेशन की इसमें जरूरत नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑल और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, टोटल टू कैटेगरीज अपने पास अवेलेबल है और कैटेगरीज के अंदर दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, अगर डेटाबेस चेक करेंगे तो देखिए दो ही हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो दोनों डॉक्यूमेंट बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है, तो सक्सेसफुली हमारे पास गेट ऑल की एपीआई भी काम कर रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसको अपडेट करने का ट्राई करेंगे, तो अपडेट के लिए हमको क्या करना है, सिंपल वापस आना है राउट में और यहाँ पे हम क्या करेंगे कमेंट बना लेंगे अपडेट कैट और यहाँ पे एक न्यू राउट राउटर डॉट पुट, सॉरी ये है पुट, पुट में हम क्या करेंगे यहाँ पे यूआरएल रखेंगे अपडेट बेस ऑन आईडी, तो इसके बाद में आपको क्या करना है अपडेट स्लैश आईडी और ऑथ मिडलवेयर इसमें लगेगा, तो ऑथ मिडलवेयर को आप इसमें पास करा दें, एक न्यू फंक्शन बना लेंगे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, तो नीचे हम यहाँ पर कमेंट आउट कर लेंगे पहले शुरू अपडेट कैट कॉन्स्ट अपडेट कैट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे और नीचे इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, बाद में इस पर काम करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट करके छोड़ दिया, सेव कर लेते हैं इसको,
और राउट मैक्स को इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना अपडेट कैट कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा टॉप पर। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस कैटेगरी कंट्रोलर में। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, वापस से एसिंक कर लेंगे और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करने वाले हैं और सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। कैच में क्या करते हैं, हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग करते हैं एरर को। आई होप आप फेमिलियर हो गए होंगे इसके साथ में। फिर रिस्पॉन्स सेंड करते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एरर इन अपडेट कैट एपीआई, और साथ ही में जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज यहाँ पर हम पास करा देंगे। उसके बाद में ट्राई में हमको क्या करना है, पहले शुरू तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से टाइटल और इमेज यूआरएल को गेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हाँ आईडी भी हमको लगेगा ना, तो मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ आईडी को। कहाँ से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे इसको, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट params, पैरामीटर्स में से हम क्या करेंगे इसको गेट करेंगे। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे टाइटल चाहिए और फिर इमेज यूआरएल। तो ये दोनों चीजें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर गेट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और वैलिडेशन भी आप देख सकते हैं, फिर वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, हो सकता है यूजर टाइटल अपडेट करना चाहता है या फिर इमेज यूआरएल वो अपडेट करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट अपडेटेड कैट कर देता हूँ उसको, या फिर कैटेगरी पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। अपडेटेड कैटेगरी इक्वल टू हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हमारे पास है कैटेगरी मॉडल, इसमें हम क्या करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले आईडी को पास कराना है, उसके बाद में क्या चीजें आपको यहाँ पर अपडेट कराना है, जैसे कि हम क्या करेंगे टाइटल को अपडेट करना चाहते हैं और इमेज यूआरएल को भी अपडेट करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकता है। इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू को कर देंगे ट्रू, न्यू ट्रू करेंगे तभी जो है ये अपडेट होगा। और इसका वैलिडेशन भी हम देख सकते हैं, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे जो है ना इसको भी एक बार चेक कर लेंगे, इफ नॉट अपडेटेड कैटेगरी, अगर ये सॉरी ये अपडेटेड कैटेगरी है, अगर ये अपडेटेड कैटेगरी नहीं है तब क्या करो, रिटर्न कर दो यहीं से रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन सक्सेस, इसमें भी हम कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, नो कैटेगरी फाउंड कर देते हैं इसको, और अगर हमको कैटेगरी मिल जाती है, वैलिडेशन सक्सेस हो जाता है, हमारा रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200। फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे वापस से ट्रू, और इसके बाद में एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर बन चुका है, अब इसको टेस्ट करना है। तो चलते वापस पोस्टमैन में और यहाँ पर एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे कैटेगरी के अंदर, ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख लेंगे अपडेट कैट, और प्रीवियस वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, गेट ऑल जो था ना इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, गेट ऑल के बदले हमारे पास है अपडेट और स्लैश उसके बाद में आईडी। तो गेट ऑल में से कोई एक आईडी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, जैसे कि स्पाइसी था ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसकी आईडी को पेस्ट कर देंगे। मेथड हमारा है पुट, उसके बाद में हमको हेडर्स में जाना है, ऑथराइजेशन यहाँ पर ऐड करना है, ऑथराइजेशन यहाँ पे बियर, और फिर टोकन भी चाहिए, तो लॉगिन में से वापस टोकन मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसके आगे पेस्ट कर देंगे, टोकन भी यहाँ पर पास हो गया। उसके बाद में है बॉडी, रॉ डेटा, फिर जेसन, और मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ, तो टाइटल जैसे कि स्पाइसी था पहले, तो हम इसको क्या कर लेंगे साउथ इंडियन। तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे, सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अनऑथोराइज आ रहा है, ओके अपडेट है। एक बार मैं राउट चेक कर लेता हूँ, कंसोल पे भी एक बार चेक कर लेंगे, 401 ही है कैटेगरी राउट, अपडेट स्लैश आईडी, ये तो बराबर है, तो टोकन का इशू है, आई थिंक टोकन एक्सपायर हो गया। हेडर्स में एक बार देख लेते, ऑथोराइजेशन, अच्छा इसमें आईडी पेस्ट हो गई, चलते लॉगिन में, और ये हमको कॉपी करना है टोकन को, कॉपी, और यहाँ पे इसके बदले पेस्ट कर लेंगे। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं वापस डेटाबेस में, और यहाँ पर देखिए स्पाइसी है ना, तो ये चेंज होना चाहिए, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे तो ये चेंज नहीं हुआ, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, आई थिंक यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये है टाइटल, उसको फिक्स कर लेंगे, ये है टाइटल, अब चेक कर लेते हैं
और सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस शो कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। चलते हैं डेटाबेस में और रिफ्रेश करके ट्राई कर लेते हैं। रिफ्रेश तो देखिए टाइटल यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो परफेक्टली हमारी अपडेट की क्यूरी भी यहाँ पर काम कर रही है। सेम इसी तरीके से आप जो है डिलीट के लिए भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक न्यू राउट बनाना है पहले शुरू। तो इसी के नीचे हम क्या करेंगे, कमेंट बना लेंगे डिलीट कैट और एक राउटर यहाँ पर बना लेंगे राउटर डॉट डिलीट, जिसमें यूआरएल पैटर्न और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिलीट स्लैश कोलन आईडी। आईडी के बेस पे आप जो है कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं, फिर ऑथ मिडलवेयर और उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन। तो कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर नीचे एक और फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे डिलीट कैट कॉन्स डिलीट कैट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे कॉपी यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको और राउट में इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट कैट कंट्रोलर पोजीशन शो करेंगे पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं राउट को भी। चलते वापस कैटेगरी के अंदर और इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे। एसिंक एरो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे और सेम ट्राई कैच क्लॉक को हम इसमें भी ऐड करेंगे। कैच में कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500 फिर सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे हम यहाँ पे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एरर इन डिलीट कैट एपीआई और उसके बाद में एरर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास करा देंगे। प्राइम में हमको क्या करना है, सिंपली आईडी को गेट करना है। ऑन डिस्ट्रक्चर आई डी कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पराम। इसका भी वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट आई डी रिटर्न कर दो यहीं से फिर विथ रिस्पॉन्स रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500 फिर सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी आई डी। वैलिडेशन जैसे हो जाता है उसके बाद में हम क्या करेंगे डिलीट करने का ट्राई करेंगे और साथ ही में कैटेगरी को भी एक बार चेक कर लेंगे। कॉन्स कैटेगरी को फाइंड कर लेंगे पहले शुरू, कैटेगरी इक्वल टू अवेट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, इसको फाइंड कर लेंगे आईडी के बेस पे जो कि हम पराम्स में से गेट कर रहे हैं। अगर ये मिलता है पहले चेक कर लेंगे इफ नॉट कैटेगरी, अगर कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती तब यहीं से रिटर्न कर लेंगे रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500 उसके बाद में सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देंगे नो कैटेगरी फाउंड विद दिस आईडी और इसके बाद में फिर डिलीट करने का ट्राई कर लेंगे क्योंकि वैलिडेशन अपना सक्सेसफुली यहां पर हो रहा है। इसके बाद में अवेट और फिर हम क्या करेंगे कैट मॉडल का इस्तेमाल कर लेंगे कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आई डी एंड डिलीट फंक्शन और इसमें आई डी को पास करा देंगे और इसमें आई डी को पास करा देंगे और साथ में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे 200 का सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज ऐड कर देंगे कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा डिलीट के लिए भी कंट्रोलर फंक्शन बन चुका है तो इसको भी टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे एड रिक्वेस्ट डिलीट कैट, मेथड रहेगा डिलीट, प्रीवियस वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ अपडेट का और यही आईडी को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। हेडर ऑथराइजेशन बियरर और ये भी कॉपी कर लेता हूँ मैं टोकन को यहीं से हेडर्स में से कॉपी इसमें पेस्ट कर लेंगे और कोई भी डेटा हमको पास कराने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेंड पर क्लिक करेंगे और 404। अच्छा हाँ यहाँ पर अपडेट नहीं है, यह है डिलीट। अब ठीक है सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू। चलते वापस मोंगोडीबी डेटाबेस में रिफ्रेश करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है। तो परफेक्टली हमारी डिलीट की एपीआई भी बराबर से काम कर रही है। तो कंप्लीट क्रड ऑपरेशन हमारा हो गया।